चलिए हम लोग परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन परमाणु संख्या होता क्या है इसको हम लोग समझे। परमाणु संख्या कोई भी परमाणु है, किसी एक परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ऐसे समझिए, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कहाँ पे उपस्थित होती है, जो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसे जेड से दर्शाया जाता है, परमाणु संख्या किसे दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। एक द्रव्यमान संख्या होता है, एक द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, जो नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या, की जोड़ को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और ये जो द्रव्यमान संख्या है, जैसे मैं मान लिया जाए कि द्रव्यमान संख्या अगर किसी तत्व है, किसी तत्व का जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 27 होता है। तो अगर परमाणु संख्या भी आपको पता है, परमाणु संख्या 13 होता है, तो इसके न्यूट्रॉन अगर पूछ दिया कि एल्युमिनियम का द्रव्यमान संख्या 27 है, तो इसके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या पता होने के लिए क्या चाहिए, 27 माइनस 13। 13 कहाँ से आया, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या घटा दी है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। अगर द्रव्यमान संख्या पता है तो एल्युमिनियम का न्यूट्रॉन के, एल्युमिनियम के परमाणु नाभिक में, एल्युमिनियम के जो परमाणु है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन कौन होगा, 14 होगा। एल्युमिनियम के नाभिक में कौन होगा, 14 होगा। अब जो होता है कि किस तरीके से तत्व को दर्शाया जाता है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या किस तरीके से, जैसे यहाँ पे संकेत होता है, यहाँ पे तत्व का संकेत होता है, बीच में नीचे जो होता है परमाणु संख्या होता है, नीचे जो होता है परमाणु संख्या होता है, और ऊपर जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इस तरीके से इस चीज को जरूर समझिएगा। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27 होता है। ऐसे लिखा जाएगा एल्युमिनियम को, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हमको ये कहा नहीं जाएगा कि इसमें परमाणु संख्या कौन है, द्रव्यमान। आपको समझना है कि नीचे परमाणु संख्या होता है, ऊपर परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है। फिर समस्थानिक आता है, समस्थानिक किसको बोलते हैं, समस्थानिक जो होता है जिसमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, समस्थानिक इसको बोलते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक यहीं से होता है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या जो होता है समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है समस्थानिक का। जैसे मैं एग्जाम्पल समझिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 को समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ट्राइटियम, इसको इसका परमाणु संख्या एक, परमाणु द्रव्यमान एक होता है, परमाणु संख्या एक होता है, परमाणु संख्या तो हर जगह एक ही होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे दो होता है, एक परमाणु संख्या तो प्रोटियम, दो परमाणु द्रव्यमान तो ड्यूटेरियम, और 3 परमाणु द्रव्यमान तो ट्राइटियम, ट्राइटियम हो जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन के भी 2 को परमाणु समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन का, एवो क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन 17 होता है, 35 परमाणु द्रव्यमान वाला, एवो क्लोरीन जो होता है 37 परमाणु द्रव्यमान वाला। तो इस तरीके से हम लोग जो होते हैं, हम लोग समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक को समझते हैं। कई सारे समस्थानिक है जिनका उपयोग किया जाता है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम की दृष्टि से ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं आता है कि परमाणु भट्टी में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो समस्थानिक का उपयोग है परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी में किस समस्थानिक, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो है उसका उपयोग किया जाता है, जो कैंसर होता है, कैंसर का इलाज होता है, कैंसर के उपचार में किसका उपचार, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का, किस समस्थानिक का उपयोग किया, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो होता है साल्ट, कोबाल्ट 60, और घेंघा रोग जो होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से जो होता है, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन 131 के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। फिर संभारिक होता है, संभारिक किसको बोलते हैं, ऐसे जो
तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है उसे संभारिक कहा जाता है। जैसे में एक आर्गन, आर्गन जो होता है और जो कैल्शियम होता है, आर्गन का भी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो आर्गन और कैल्शियम क्या है? संभारिक है। क्यों? क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो ये जो है परमाणु मॉडल से संबंधित चीज़ है। परमाणु मॉडल अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक दे दे रहे हैं नीचे, उस मॉडल को जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा इन सारी बातों का महत्व कहाँ है। और कई सारे पॉइंट वहाँ भी जो महत्वपूर्ण है, वो बोरबरी मॉडल है, टॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, उन सारे मॉडल से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात कही गई है, समझी गई है, तो उस चीज़ को वहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो उस चीज़ को जरूर देखिए, इसका मॉडल हम जो डिस्क्रिप्शन में इसके जो लिंक है उसका लिंक दे दे रहे हैं, इसको जरूर देखिए पहले, इस समझिए फिर उसको देख लीजिए, उस देख लीजिएगा तो दोनों ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।